नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतवीर है। आज हम आपको लेकर आए हैं बड़वाले बालाजी के दरबार पे। दोस्त की ऐसी मानता है यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से सच्चे मन से आकर जो भी मनोकामना मांगता है वो पूर्ण होती है। ये मुखुता बामणवास से 4 किलोमीटर की दूरी पर है स्वामियों की ढाणी, यहीं पर है दोस्तों। ये देखिए इस बड़वाले बालाजी दोस्तों, इसी बड़ के पेड़ से के नीचे एक कुई हुआ करती थी, उसी से प्रकट हुए थे। और इस बड़वाले बालाजी जब यहाँ से प्रकट हुए थे दोस्तों, तो यहाँ के पास ही में स्वामियों की जो ढाणी है वहाँ के बड़े बुजुर्गों ने उसे यहाँ से ले जाकर अपने गाँव की ढाणी में स्थापित किया था और वहीं पर मंदिर बनाया हुआ है। उनको चलकर दिखाने वाले हैं, बड़वाले बालाजी के दर्शन करवाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको मंदिर परिसर में लेकर चलते हैं आगे। तो अब हम आ गए हैं बड़वाले बालाजी के मंदिर पर। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर परिसर में। वहाँ से प्रकट हुई थी, फिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये यहाँ पर लेकर आए थे इसे, और यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत देख सकते हो आप। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है जो सच्चे दिल से सच्चे मन से साफ तन मन से यहाँ पर आकर जो भी मनोकामना मांगते हैं और इसकी परिक्रमा लगाते हैं उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर ये हकीकत में हो भी चुका है भाई, जो यहाँ के काफ़ी मंत्री और बिहार के मंत्री भी यहाँ पर आकर बोर करवा चुके हैं। और यहाँ राजस्थान के एक मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये मंदिर परिसर का कुछ हिस्सा बनवाया था जो अभी हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे भाई। ये गणेश जी का मंदिर है भाई। ये है भाई बड़वाले बालाजी की प्रतिमा। भाई इसकी परिक्रमा जो भी सच्चे मन और दिल से करता है ऐसा माना जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है भाई बड़वाले बालाजी का। ये बड़वाले बालाजी का बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पर अखंड ज्योति आती है मंगलवार को, बिना दीपक के ही अखंड ज्योति आ जाती है। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? गणेश कुमार स्वामी। गणेश कुमार स्वामी सर, आप यहीं के? हाँ जी। देखिए ये यहीं के स्थानीय निवासी है, इनसे हमें जानकारी लेते हैं। सर इस मंदिर के बारे में क्या जानते हो आप? यहाँ पे जो भी
कोई भी भक्त यहाँ पे आता है, मनोकामना पूर्ण करता है, मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे अखंड ज्योति जलती है, जो भी मनोकामना यहाँ पे मांगेगा वो अवश्य ही पूर्ण होगी, कैसी भी हो ज्योति जलाते हैं या वैसे ही? वैसे जागता बनाया जाता है। अच्छा। उसके ऊपर घी से ज्योत करते हैं, बगैर दीपक के ही ज्योति आती है। अच्छा। यहाँ पे दीपक का कोई नहीं है। ये कितने टाइम पुराना है मंदिर? कम से कम हजारों साल पुराना। अच्छा, अच्छा। ये कैसे आई थी मूर्ति यहाँ पे, जैसे कैसे बना? उस सामने वो बड़ का जो बड़ है वहाँ पे कुएं में बंदर ने कोई पत्थर फेंका था। अच्छा। उसमें से हनुमान जी प्रकट हुए थे, वहाँ से हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे उसको मूर्ति को लेके आए थे, स्थापना की थी। मंगलवार शनिवार को हजारों की तादाद में यहाँ पे दर्शनाभिलाष आते हैं। अच्छा, ये कितने टाइम पुराने हैं जी? कम से कम हजारों साल। हजारों साल पुराने। अच्छा। देखिए भाइयों, हजारों साल पुराना बड़वाला बालाजी का मंदिर है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को एक अखंड ज्योति होती है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और जो सच्चे मन से आते हैं, जो अपनी मनोकामना पूर्ण, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी सच्चे मन से यहाँ पर आकर इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर है भाई, बड़वाले हनुमान जी का। देखिए भाई, यहाँ पर हनुमान जी का और श्याम जी का मंदिर भी बनाया गया है। ये देखिए भाई, बजरंगबली का मंदिर है सामने। ये श्याम जी का मंदिर है भाई सामने। ये राधा कृष्ण का मंदिर है भाई। मंगलवार और शनिवार को भाई यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं दूर दूर से। ऐसा भी बताया जाता है कि बिहार और छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पर आते हैं काफ़ी।